अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं काजी अंसार। हम इफ्तारी के लिए दोस्त आए हुए हैं। मेरे साथ उमर भाई हैं, माज भाई हैं और राफे भाई हैं। कैसा लग रहा है जी यहां आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा मौसम है। सबसे तो ड्राइविंग करते हुए विंड स्क्रीन से नज़ारे देखते हुए आए हैं पहाड़ियों के, खूबसूरती के। और ये पीछे आप चेक करें, ये डूबते हुए सूरज की जो है सुर्खी, वाह कमाल व्यू है, बहुत ही कमाल व्यू है। और हम इस वक्त जी नथिया गली के रास्ते में हैं, मिड में है, तो मरी और नथिया गली के बीच में हम। और यहाँ पे बट कढ़ाई अभी उसका इनॉग्रेट नहीं हुआ, लेकिन हमें एक व्यू पॉइंट बहुत अच्छा मिल गया जहाँ पर हम यहाँ पर इफ्तारी कर रहे हैं। हो जाएगा ईद के दूसरे दिन जो है वो ओपनिंग है इस बट कढ़ाई की। और यहाँ बट कढ़ाई की एडवर्टाइजमेंट भी हो गई, व्यू की बात है सबसे। माज भी कैसे लगी आपको हमारी कंपनी सर? आज कैसे लगी? बहुत मजा आ रहा है, बड़ा हेक्टिक रमजान गुजारा है हमने वैसे इस दफा सर। आप रमजान से पहले भी कहते थे कि शहबाज शरीफ को दुआएं दें सर। अच्छा मुझे याद है रमजान से पहले माज भी कहते थे कि यार रमजान में ना एक दो दिन काम कम होगा, बाद में उसके बाद बहुत ज्यादा। वो वैसे ही हुआ है सर, देख लें। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हमारा, आप देख लें मेहनत का फल, देख लें कि आज हम इधर सही है, सारी थकावट दूर हो गई। वैसे मजा आ गया, एंजॉय हुआ जी बहुत। और यहाँ पर हमारे पास कुछ खजूरें हैं जी, नज़र आ रही हैं और ये इमली आलू बुखारे का मशहूर G6 का शरबत है। केले हैं, केले की रेस्टों की कचोरी है। पूरा इस्लामाबाद घूम फिर के चीज़ें हमने जमा की हैं इफ्तारी के लिए और फाइनली मरी हम आ गए हैं। तो कचोरी खाएगा? हाँ खाऊंगा, नहीं खाऊंगा क्यों नहीं खाएगा, एक प्लेट प्लेट में डाल बस यार, ठीक है। बहुत अच्छी कंपनी हो रही है जी दोस्तों के साथ। और गोल्डन आवर भी चल रहे हैं, इस वजह से भी ज़रा व्यू पॉइंट अच्छा हो रहा है। तो थोड़ा मैं आपको नीचे वादी का व्यू दिखाता हूँ जी। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है, और ये भी दिखाएं खड़े होके ये जो ग्रीन। हाँ ये देखें जी, बट कढ़ाई वालों ने जो अरेंजमेंट की हुई है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त। ईद के दूसरे दिन से आपको यहाँ पर कढ़ाई मिलेगी, बट कढ़ाई जो कि बहुत पॉपुलर और फेमस है। और इन्होंने जो व्यू पॉइंट चूज़ किया है वो बहुत फैंटास्टिक है। यहाँ से देखें पूरी वादी का कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, बहुत फैंटास्टिक जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो हम क्योंकि सारे बैंकर हैं जी, और बैंकर आपको पता है कि बहुत हैक्टिक जॉब है, बहुत थका देने वाली जॉब है, मेंटल स्ट्रेस होती है, बर्डन प्रेशर। और हमारे ये जो टीम लीडर है ना, ये हमें अक्के रखते हैं, ठीक है। 50 फॉर्म देने हैं जहाँ पर, ये 80 फॉर्म देते हैं। ये जो बैठे हैं देव हैकल खत्म होंगे तो काम खत्म होगा तो जॉब। और उमर भाई हमेशा कहते कैसे होंगे यार, कैसे होंगे, और आखिर में करके चले जाते चुपके। उमर भाई की ये खासियत है, ये अपने काम को सीरियस लेते हैं, बिल्कुल सीरियस, कि यार ये मुझे मिला है तो मैंने इसे करना है, बड़े डेडिकेटेड करके जाते हैं। और इनका काम भी परफेक्ट होता है सर, हम डंडी मारने वालों में से कंसिस्टेंट। और ये जो बंदा है ना, अल्लाह ताला इसको कहते मामू चला गया, अल्लाह ताला इसको हिदायत के काबिल बनाए। अच्छी बातें ना करे, जो आपने गाड़ी में बातें की है ना वो वाली करे ना दो चार। वो जरा रोजा अभी वजू में हूँ ना अभी चुप कर रहे थे उमर भाई, मिसेज को मैसेज कर रहे हैं कि अगर आपने खजूर मैसेज करते हैं नहीं, अगर अगर आपने खजूर मुँह में डाल ली है तो मैं भी डाल लूँ रोजा खोलने के लिए। अभी तो वो ही नहीं है। अच्छा ये पहाड़ी नहीं, वहाँ पे हो चुका होगा अब तक मेरा ख्याल है, इस्लामाबाद में। ये तो 50 मिनट पे होगा, 50 यहाँ पे देर से होगा, हाँ पिंडी में तो 50 पे था इस्लामाबाद में। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट यार। जरा मैं एक देखूं वीडियो कॉल कर, ओ मजान हो रही है, पहले रोजा खोल ले बेगम को वीडियो कॉल कर। ये इनके वाले जाते हैं, ये इनके वाले पकौड़े किधर गए यार?
कोड़े के बगैर अच्छा इफ्तारी अधूरी है। नीचे पानी पड़ा हुआ आपको सर्दी जी। मजा आ गया यार। सही है पकौड़े हैं, नॉट बैड। पकौड़े बहुत अच्छे हैं, नज़रा सी हल्की आँच से पके होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। आलू कच्चा है ना, आलू कच्चा है। लेकिन जल्दी में था ना वो। चौबीस समोसे वाला 100 रुपये खड़ा था। उसके समोसे उसने डाले ना। कितना दस्ती आधे सेकंड के अंदर ब्राउन हो गया। कितना सुकून है यहाँ, खामोशी है, ठंड भी होगी हल्की हल्की। कौन है? नहीं नहीं एल तुझे थोड़ी है, उनकी जान डिफरेंट है, उनकी है ही नहीं। तो क्या है, ये वो मस्जिद है जो इफ्तारी की करवाती होगी, इफ्तारी करवा के ना बच्चों को, उसके बाद वो जाने हैं। राम भैया आपका पिता खराब है, फिर देख आप लगे हुए हैं। ये हमारे नसीब में था। हाँ चेक करें, इसकी खातिर हम बैठ कर आए हैं और यहाँ पे आके बैठे हैं इतनी ऊपर। मजा आ गया। आ रही होगी बेगम बिरयानी, कोई मसला नहीं है, घर में ही है। क्या हुआ, कहा रही होगी ना, मैं तो वैसे ही डिशा देख रहा हूँ। क्यों लटका आगे बैठा हुआ? कौन लटका आगे बैठा हुआ? वो भी टेला हो गया जरा, लेना तो नहीं है तूने वो? टेला नहीं देते, कितनी बार बताया है, जब सही तना हो तब दिया जाता है। तुम टेले बेगम कह रही शुक्र है गए रात को, बिना आए तो अच्छी बात है, और तू आगे सीधे लगा हुआ के बस हो गया फिर अभी से यार, अभी तो बहुत स्मॉल है। अच्छा सिगरेट के लिए जगह बनाई है, नमाज पढ़ ले ये सिगरेट देख के ना।